करती हूँ आप सभी का। आप देख रहे हैं जीटीएनई झारखंड, रूबरू होते हैं आज की खास खबरों से। भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन सह प्रदेश भाजपा कार्य समिति सदस्य भरत सिंह के दिशा निर्देश के अनुसार सेवा ही संगठन के तहत धारशिला के बवंडा सिंह मंदिर में ट्रस्ट के सदस्य एवं सक्रिय भाजपा नेता रविशंकर सिंह पहुंचे एवं पुजारियों के बीच सूखा भोजन एवं मास्क का वितरण किया। इस मौके पर रविशंकर सिंह ने जीटीएन को बताया कि धारशिला के सभी मंदिर के पुजारियों के बीच पहुंचकर उन्हें खास सामग्री सैनिटाइजर मास्क मुहैया कराया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज के शिव मंदिर से की गई। मौके पर अशोक साहू, अजय पाल, जितेंद्र भद्रो आदि से उपस्थित थे। धारशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आज जो है भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा जो है शिव मंदिर में शुरुआत किया गया पुजारी जी लोग से जो है सूखा सामग्री वितरण का। सबसे पहले तो जो है बहुत जगह वितरण हो रहा है, लेकिन जो है मंदिर में जो है पुरोहित लोग जो है पंडित जी लोग जो हैं तो सरकार के द्वारा तो गाइडलाइन है कि श्रद्धालु जो है मंदिर में नहीं आएंगे, तो पुरोहित जी लोग का भी तो उन लोग के ऊपर पंडित जी लोग के ऊपर ध्यान देना अति आवश्यक है। तो जो है इस विषय में जो है भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन भरत सिंह जी से जो है हमने दूरभाष से बातचीत किया और सेवा ही संगठन के तहत जो है भरत सिंह जी ने निर्देश दिया कि आप जो है शिव मंदिर से शुरू कीजिए और आपके क्षेत्र में जहाँ जहाँ आप पहुँच सके वहाँ वहाँ पुजारी जी लोग से मुलाकात करें एवं उनकी समस्याओं को भी देखें और उनके बीच जो है आप राशन वितरण से लेकर मास्क वितरण से लेकर जो भी चीज़ होता है वो आप वितरण करें और इसकी सूचना जो है हमें भी दें। आप पत्रकार महोदय से मैं गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि ऐसे कोई भी जहाँ पर मंदिर हो जहाँ पर हम नहीं पहुँच सकते हैं अगर आपको जानकारी मिलती है तो आप इसकी जो है जानकारी हमें ट्रस्ट के सदस्यों को जो है दें। और ये जो है लॉकडाउन अभी अनलॉक शुरू हुआ है लेकिन भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट अभी क्या होता है उसको बंद होने वाला नहीं है सेवा, ये सेवा हमारा जारी रहेगा और चाहे वो आपका घाटशिला हो, मऊ भंडार हो, आपका जो भी जहाँ जहाँ तक आदमी जो है राशन वितरण पहुँचाने सकता है वहाँ वहाँ जो है वितरण किया जाएगा। मैं रविशंकर सिंह भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट का सक्रिय सदस्य एवं भारतीय जनता पार्टी का एक सेवक और आप सभी से अपील करता हूं कि आप दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी और कृपया करके जो भी कोरोना का वैक्सीन नहीं लिए हैं वो आप जो है अपना वैक्सीन जरूर लें क्योंकि कोरोना को जो है अगर हराना है तो हम लोग को वैक्सीन जरूर लगाना है। धारशिला के कासिता अंतर्गत तामुकपाल में आज धारशिला के विधायक रामदास सोरेन पहुंचे और बारिश से प्रभावित लोगों से बातचीत की। इस दौरान धारशिला के दादी परिवार के बैनर तले जिला प्रशासन के सहयोग से प्रभावित गरीब परिवारों को खाद्य सामग्री एवं जरूरत की सामान उपलब्ध कराई गई। इस दौरान धारशिला के अनुमंडल अधिकारी सत्यवीर रजक, प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार एस अभिनव, अंचल अधिकारी राजीव कुमार, धारशिला थाना प्रभारी इंद्रदेव राम समेत दादी परिवार के सदस्य सुनील जैन, आनंद अग्रवाल, विकास अग्रवाल, ललित अग्रवाल, दिनेश अग्रवाल, विकास आनंद समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। मौके पर विधायक रामदास सोलह ने जीटीएन से बातचीत के दौरान बताया कि तामुकपाल क्षेत्र 3-4 दिन तक प्रशासन की निगरानी में रहेगा ताकि प्रभावित लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो सके। धारशिला से जीटीएन के लिए रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की। तामुकपाल में पानी में लोग डूब गए थे, जो थर्ड लाइन बन रहे हैं उसमें मिट्टी के कारण पानी जम गया था जिसमें 14-15 घर जो है परिवार का घर डूब गया था, जिसके लिए पूरा यहाँ के जिला का प्रशासन जो वीडियो सीओ थाना प्रभारी सभी लोग वहाँ पर जा कर के उस वैसे लोगों को प्रभावित जो लोग हैं वैसे लोगों को राशन पानी खाने पीने का हम लोग जिला प्रशासन की ओर से व्यवस्था कर दिया गया है और आने वाला समय में उसको 2-3 दिन तक उसको जिला प्रशासन का निगरानी में रहेगी और इसके बाद उसके लिए हम लोग यहाँ के जो सीओ साहब है उनको बोला गया है कि इस बार आप थर्ड लाइन में जितना आदमी यहाँ से विस्थापित हुए हैं उनका सूची बना करके देख करके हम लोग उसमें समीक्षा करेंगे, हम उस पर हम लोग हमारी सरकार क्या मदद कर सकती है जिस पर हम लोग विचार करेंगे। कोई
कोविड-19 के तहत दिए गए गाइडलाइन नियमों को ठेंगा दिखाते हुए जमशेदपुर के परसुडी थाना अंतर्गत मखदुमपुर रेलवे क्रॉसिंग के निकट फास्ट फूड की दुकानें शाम 4 बजे के बाद भी खुली रह रही है, जहां लोगों की काफी भीड़ होती दिखाई दे रही है। मामले को लेकर कांग्रेस के जमशेदपुर प्रखंड संयोजक सुल्तान अहमद, जिला सचिव भरत सिंह, पोर्ट का प्रभारी अजय मंडल, प्रखंड अध्यक्ष आशीष ठाकुर, सुबोध सिंह सरदार प्रखंड सह अंचल कार्यालय जमशेदपुर पहुंचे और CI बलवंत सिंह को जानकारी दी। संबंध में CI ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। जमशेदपुर से GTN के लिए रिपोर्ट शाहजादा खान। सरकार के गाइडलाइन के अनुसार तो 4 बजे तक ही दुकान खुलना है, किसी सभी दुकान 4 बजे तक ही। सर इसमें बहुत सारे फास्ट फूड है या ये सब कुछ और एक्स्ट्रा दुकान जो जिसके आप लोग अलाउड किए? दुकान खोलना है, फास्ट फूड में है तो उसको तो होम डिलीवरी कर सकते हो, दुकान खोल करके बिना बेच सकते हैं। सर इस पर अगर खड़े हुए पकड़ाता है, अगर जाँच के क्रम में तो उसको एफआईआर होगा। दुकान में तो सभी प्रकार की दुकानें हैं, सिर्फ आपका कपड़ा दुकान, जेवर दुकान, ये छोड़ करके जूता दुकान। सर जैसे देखा जा रहा है कि रेस्टोरेंट या फास्ट फूड की दुकान को खोलने का 4 बजे तक खुलने का आदेश है, 4 बजे के बाद। जमशेदपुर स्थित MGM थाना क्षेत्र के बेंगू पंचायत अंतर्गत भरकट्टा गांव में मजदूरी के पैसे के भुगतान को लेकर चाचा भतीजे के बीच हुए विवाद में भतीजे ने चाचा पर पत्थर से हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया। हमले करने के बाद भतीजा फरार हो गया। आसपास के लोगों ने घायल अवस्था में चाचा जी को अस्पताल में भर्ती कराया। जमशेदपुर से रिपोर्ट मोहम्मद कलीम की। षष्ठी पद महतो। कौन आपका? मेरा चाचा है। क्या नाम है? देवेंद्र नाथ महतो। कहाँ रहते हैं आप लोग? गोलकटा गाँव में। थाना MGM मानू। क्या हुआ, क्या चीज से मारा? सुने हैं तो पत्थर से बोला मारा है, प्रसार फोड़ दिए है। कौन मारा? विकादर महतो। कौन? उनका भैया का ही बेटा है, मतलब भतीजा है मेरा चाचा का। भतीजा मारा है? जी। क्यों? वो किस लिए मारा है तो मेरे को जानकारी नहीं था, हम तो फिलहाल घर में था। जैसे ऐसा ऐसा हुआ बोल के हम सुने तो हम दौड़े चले आए, फिर बाइक से लेके हम MGM आके भर्ती कराए। एक ही गाँव का है? एक ही गाँव का। विवाद चल रहा है? तो ऐसे तो हम सुने नहीं है आपसे विवाद बोल के। क्यों मारा? मारा किस लिए हम तो नहीं बता, वही बस हुआ होगा, झगड़ा हुआ होगा, मतलब बातों बातों में। किस बात को लेकर? वही सुनने में सुन रहा था कि पैसा को लेकर हो रहा था, किसी दूसरा का पैसा नहीं लौटा रहा था, उसी बात में बोल रहा था तो पैसा नहीं लौट रहा। हाँ चाचा बोल रहा था तो नहीं लौटा तो उसके लिए वही मतलब विवाद वैसे बातों बातों में हो गया कि हम उसको नहीं देंगे तो फिर आप क्या करेगा, कैसे ऐसे कुछ बात होगा। हाँ उसी में मारपीट हुआ तो हम दौड़े आए, तो हम तो उतना जानते भी नहीं, तो था भी नहीं। पैसा का विवाद को लेके नहीं नहीं हाँ पैसा को लेके। गलवान घाटी में शहीद गणेश हांसदा के बड़ा घोड़ा स्थित पैतृक आवास जाकर पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सदस्य ने श्रद्धांजलि अर्पित की। शौर्य चक्र विजेता मोहम्मद जावेद पूर्व सैनिक सेवा परिषद के अनुमंडल अध्यक्ष धानो टुडू, सेवानिवृत्त हवलदार देवव्रत पांडे समेत अन्य सदस्यों ने शहीद गणेश हांसदा के तस्वीर पर पुष्प अर्पण कर नमन किया। शौर्य चक्र विजेता मोहम्मद जावेद ने शहीद के माता पिता भाई और परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। श्रद्धांजलि सभा में भारत माता की जय, शहीद गणेश हांसदा अमर रहे, वंदे मातरम के जय कार्य लगाए गए। मौके पर चिकित्सक सह समाज सेवी डॉक्टर सुनीता देव सोरेन, युवा संगठन के मंतोष मंडल एवं कई लोग उपस्थित थे। GTN के लिए रिपोर्ट सिद्धार्थ। भारतीय
भारतीय जनता पार्टी पूर्वी सिंहभूम जिला आईटी सेल प्रभारी सुजन कुमार मन्ना ने ट्वीट के माध्यम से धारूमर प्रखंड के हरिंदुगुड़ी गांव के विधवा संचारी नमाता के विधवा पेंशन के लिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, परिवहन मंत्री चंपई सोरेन, उपायुक्त महोदय, सांसद विद्युत वरण महतो, प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी को जानकारी दी, जिसमें प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए विभागीय पदाधिकारी से बात कर उनकी पेंशन स्वीकृति कराने का काम पूरा कर दिया है। उन्हें जल्द ही पेंशन मिलेगी। इसके लिए विधवा संचारी नमाता ने प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी जी को आभार जताया। जीटीएन के लिए सिद्धार्थ रणवीर। घरसिला विधायक रामदास सूर्य ने आज घरसिला अनुमंडल हॉस्पिटल का निरीक्षण किया एवं इस दौरान चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर शंकर टुडू को सम्मानित किया। मौके पर विधायक ने जीटीएन को बताया कि कोरोना वायरस के दौरान अस्पताल के डॉक्टर शंकर टुडू ने बेहतर कार्य किया है, जिसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया। इस दौरान विधायक ने बताया कि अस्पताल के विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रभारी को कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि आगामी आने वाले कोरोना वायरस की लहर को देखते हुए हर स्थिति से निपटने के लिए अस्पताल प्रशासन पूरी तरह तैयार है। इसके लिए सारी तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। मौके पर घाटसिला के अनुमंडल अधिकारी सत्यवीर रजक, प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार एस अभिनव, घाटसिला अंचल अधिकारी राजीव कुमार, घाटसिला थाना प्रभारी इंद्रदेव राम, काजल डॉन, विक्रम बेसरा उपस्थित थे। घाटसिला से जीटीएन के लिए सिद्धार्थ से हॉस्पिटल घाटसिला हॉस्पिटल का जो प्रभारी है शंकर टुडू जी, निश्चित तौर पर कोरोना काल में यह बहुत इनका का अच्छा कार्य रहा है। इनका टीम का, यहाँ का जिला का प्रशासन का इस कोरोना को रोकथाम करने के लिए दिन रात एक करके यहाँ का लोगों को जान बचाने का जो काम किया है, जिस पर आज हम यहाँ के प्रभारी शंकर टुटू जी को साल उड़ा करके हम उत्साह बढ़ाए हैं, सम्मान किए हैं, जिसे आने वाला समय में जो ये उम्मीद है, आशंका है कि थर्ड ये आएगा लहर, उससे बचने के लिए भी हमारी सरकार और राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन ने पूरे राज्य को निर्देश दिया चुका है कि थर्ड लहर से जो बचाव के लिए सारे उपाय लगा दिए गए, जैसे यहाँ भी चाइल्ड का बना दिया गया है, कम से कम यहाँ पर दो ठो कमरा जो है जिसमें चाइल्ड स्पेसेस रहेंगे और यहाँ ऑक्सीजन भी रहेगा, सब सारी व्यवस्था रहेगा, जिसके लिए अभी सरकार की ओर से पूरा हम लोग तैयारी कर चुके हैं। इसी के खास करके निरीक्षण के लिए देखने के लिए हम लोग आज सारे यहाँ के घाटसिला के जिला प्रशासन के और हम लोग आकर के इसका निरीक्षण किए और आने वाला समय में निश्चित तौर पर जो यहाँ कमी कमियाँ था, यहाँ के लोग वैक्सीन नहीं लेने की जो एक अफवाह थी, आज धीरे धीरे घट रही है और अभी सब वैक्सीन ले रहे हैं। आने वाले समय में हमारी सरकार कोरोना को मात देने के लिए जो संघर्ष कर रही है, निश्चित रूप से आज हमारा राज्य कोरोना मुक्त होगा। सब लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जिस पर सरकार का जो सुझाव आया है, निश्चित तौर पर सुझाव को सब लोग मान रहे हैं। आने वाला समय में हमारे इस राज्य का एक अच्छा व्यवस्था होगा।